देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है, और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे जरूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। थैंक यू। तमाम बड़े कांग्रेसी, मैं जो कहना चाहता, जरूरत नहीं है, मैं व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी। देरी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, इसका फायदा भी नहीं। देखिए, अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है, 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे, और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले। अभी देखिए, मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है, और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा। बात बन गई है, बहुत 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 शुक्रिया। नहीं, मैं आंकड़ों की बात आप सबसे साझा नहीं कर सकता। कोई देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कोई दूसरी पार्टी के नेता का बयान हो, मेरी पार्टी के नेता का बयान हो, कोई व्यक्तिगत सीट का मामला हो, मैं किसी भी व्यक्ति पर या सीट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक मोटे मोटे तौर पे जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। उम्मीद है कि जल्द हम सब आपसे मीडिया के भीतर आकर रूबरू होंगे और कुछ गुड न्यूज आपको देंगे। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है, और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।